विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए। दोस्तों प्रियोचन नमस्कार, मैं आपका पुस्तकालय अध्यक्ष फिर आज एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपने अभी ये जो वीडियो देखा, इसमें आपने देखा कि कैसे हमारे देश के पहलवान बजरंग पुनिया जी कितनी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास, मेहनत, लगन, टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस डाइट, रेस्ट, और जो भी लक्ष्य साधा है उसके साथ निरंतर जीना। ये पहलवान बजरंग पुनिया का अपना 2019 में शायद जब तजाकिस्तान के नूर सुल्तान में विश्व कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, वहां पर उनका जो मुकाबला हुआ था तजाकिस्तान के पहलवान दौलत न्याज बको के साथ, जिसमें तजाकिस्तान के पहलवान ने उनको हरा दिया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उनका दृढ़ निश्चय, उन्होंने उसी पहलवान को अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई उसमें 8-0 से हराया और भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो बच्चों इसमें बहुत बड़ी बात है, 2019 में वो हारते हैं और उसी पहलवान को 8-0 से हराते हैं 2 साल के बाद। ये दर्शाता है कि उनका दृढ़ निश्चय, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका जो सपना, उसके साथ वो लगातार 2 साल जिए और अंततः उनको सफलता मिली। उन्होंने हमारे देश के लिए कांस्य पदक जीता। ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अभी आप सबकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, कोरोना की तीसरी लहर के आने का अंदेशा भी जताया जा रहा है, लेकिन डर कर नहीं, एक दृढ़ निश्चय करते हुए, एक संकल्प लेते हुए कि जो भी असाइनमेंट, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपने उसको हासिल करना है। इसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, विभिन्न प्रकार के आपके टेस्ट हो रहे हैं, नोटबुक तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चों टारगेट तो आपका है बजरंग पुनिया की तरह कि आपको फाइनल में अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन उसके पीछे सबसे पहले तो आपकी मेहनत, आपका अपने ऊपर विश्वास, आपकी लगन, आपका समर्पण भाव और उसी उद्देश्य के साथ, उसी सपने के साथ जीना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ये हमारे सामने जो लाइव एग्जांपल्स होती हैं उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। माहौल कैसा भी हो, आपदा में अवसर तलाशना, यही एक सच्चे इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप भी एक सकारात्मक सोच रखेंगे और जो भी लक्ष्य आपने निश्चित कर रखा है उस तक सफल होने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करेंगे, संसाधनों का सही सदुपयोग करते हुए दृढ़ निश्चय और आत्मसमर्पण भाग से आप उसको पा सकते हैं। यू शुड हैव द एटीट्यूड लाइक आई कैन डू इट, एंड इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड देन हाउ टू डू इट डेवलप्स। जब आप में भावना होती कि मैं ये कर सकता हूं तो फिर ये इसको कैसे किया जा सकता है, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी योजना, आपकी मेहनत, संसाधनों का सही उपयोग, दृढ़ निश्चय समर्पण भाव से आप उसको पा लेते हैं। धन्यवाद।